हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस की एमसीक्यूज प्रैक्टिस। दोस्तों, ये सेट ए का अभ्यास 10 है, इसी तरह 15 से 16 सेट है। प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास है। इस प्रकार 3,000 से 4,000 से 5,000 क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हो जाएंगे। डेली बेसिस में प्रैक्टिस कर रहे हूँ, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। चाहे फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेट हो, एमपी टेट हो, अदर स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, सभी के लिए आप मेरे चैनल पे वीडियोज विजिट कर सकते हैं। चाहे वो थ्योरी सेशन हो टॉपिक वाइज, चाहे आपका एमसीक्यू चैप्टर वाइज हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे ऑनलाइनर क्वेश्चन हो, सभी प्रकार के वीडियोज मेरे चैनल पे हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप जो भी अभी तक पढ़े हैं अपना स्कोर चेक कीजिए। चलिए स्कोर चेक करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है, रेमेडियल अभ्यास निम्न में से कौन सा है? तो रेमेडियल अभ्यास जो है वह चोट के पश्चात किया जाने वाला अभ्यास है। रेमेडियल अभ्यास कैसा अभ्यास है? चोट के पश्चात किया जाने वाला अभ्यास जो होता है उसको कहते हैं रेमेडियल अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि खिलाड़ी एर्गोजेनिक एड्स के प्रति आकर्षित होता है। एर्गोजेनिक एड्स क्या होता है दोस्तों? ऐसा पदार्थ या जो हमारे प्रदर्शन को, क्षमता को इन्हेंस करे यानी बढ़ाए। इसके अंतर्गत दोस्तों जो हम गलत तरीके से लेते हैं वो डोपिंग में आ जाता है। ठीक है, जब हम अच्छा सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे कि इसमें आपका कई प्रकार के एर्गोजेनिक एड्स आते हैं, न्यूट्रिशनल एड, फिजियोलॉजिकल एड्स, साइकोलॉजिकल एड्स एंड फार्माकोलॉजिकल एड्स एंड इसी प्रकार के आते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, नए जूते, जो आपके उपकरण हैं कैसे करेंगे, और जो साइकोलॉजिकल में जो ऑडियंस होते हैं उसका उत्साह बढ़ाते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें एर्गोजेनिक एड्स में आते हैं। हमारी एकाग्रता, हमारी कार्य क्षमता को इन्हेंस करती है। तो इसके प्रति हम आकर्षित कैसे होते हैं? तो टेलीविजन, विज्ञान, रेडियो उपकरण, उपरोक्त सभी के द्वारा, टेलीविजन, विज्ञान, रेडियो, विज्ञापन, इन तीनों के द्वारा हम क्या करते हैं, इसके प्रति आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, किस चिकित्सा विधि में बायोन्सिला यानी तरलशीलता नामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो वह होता है भंवर स्नान यानी वर्लपूल बाथ में घुमाया जाता है, एकदम पानी के अंदर टब में, बायोन्सिला तकनीक के द्वारा। नेक्स्ट है, व्यक्ति के शरीर में कौन प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य करता है दोस्तों? तो वो होता है विटामिन सी। हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य करता है, ये कोशिकाओं को आपस में बांध के रखता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में कौन औद्योगिक मनोरंजन है? तो इसमें से कौन औद्योगिक मनोरंजन का हिस्सा है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा स्कूलों में होने वाला खेल जो है औद्योगिक मनोरंजन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, इनमें से शारीरिक बल वाले मनोरंजन क्रिया कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे शतरंज हो गया, तंबोला हो गया, कैरम हो गया, ये मानसिक वाले मनोरंजन है, ये शारीरिक बल इसमें होता नहीं है। तो यहाँ पे क्रिकेट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाविद्यालयों में निम्न में से मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाएगा। महाविद्यालय में मनोरंजन के साधन क्या होता है? सांस्कृतिक कार्यक्रम जो समय पे होते हैं, यानी वार्षिक उत्सव हो गया और 15 अगस्त 26 जनवरी को हो गया, जो बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलम में आपका आता है। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर में जैव रसायनों के असंतुलन से किस चोट के लगने की संभावना बनी रहती है? दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो यहाँ पे आपका जैसे कि गुम्बर जो होता है, अचानक से आपको चोट लग जाता है, अंदरूनी चोट नीला पड़ जाता है, गुम्ब चोट भी इसको बोला जाता है, और फ्रैक्चर जो होता है, हड्डी के टूटने को फ्रैक्चर बोलते हैं, मोच यानी स्प्रेन जो होता है, हमारे लिगामेंट में जो चोट लगती है वहाँ पे आपका उसको स्प्रेन एंड मोच कहते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? शरीर में जैव रसायनों के असंतुलन से किस चोट लगने वाले को हम कहते हैं एठन यानी क्रैम्प। नेक्स्ट दोस्तों, स्टीच किस प्रकार की चोट है?
तो स्टीच किस प्रकार की चोट है दोस्तों? यह मांसपेशी ऐंठन है एक प्रकार का, जैसे कि दौड़ते हुए या कुछ काम करते हुए अचानक से आपका डायफ्राम पेशी में या पेट की पेशी में अचानक से दर्द, तीखा दर्द होता है, उसी को हम कहते हैं स्टीच। यह मांसपेशी ऐंठन है एक प्रकार का, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशी के प्रारंभिक छोर जो हड्डियों से जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे, मैंने इसके बारे में कई बार बताया है कि जो मांसपेशी होता है हड्डियों से जुड़ी रहती है टेंडन के द्वारा, तो यहाँ पे टेंडन आपका सही हो जाएगा। तो मांसपेशी हड्डी से जुड़ी रहती है छोरों पर टेंडन के द्वारा, और हड्डी से हड्डी जुड़ी रहती है जोड़ों पर लिगामेंट के द्वारा। नेक्स्ट, जिस चिकित्सकीय उपचार में पानी का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। विद्युत से उपचार करने को हम इलेक्ट्रोथेरेपी कहते हैं, एंड बर्फ से उपचार को क्रायोथेरेपी कहते हैं, और एक्सरसाइज और बर्फ दोनों का प्रयोग करते हैं तो उसको एक्सरसाइज थेरेपी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जिस चिकित्सकीय व्यायाम में उपचार में ठंडे व गर्म पानी दोनों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो ठंडा और गर्म पानी जिसे दोनों प्रयोग किया जाता है, बारी बारी से ठंडा गर्म पानी का, उसको हम कहते हैं कंट्रास्ट बाथ, और इसे सूजन कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्टिलेज क्या है? तो दोस्तों कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज दो है, एक मुलायम ऊतक है जिसे हम क्या कहते हैं? उपास्थि। अस्थि उपास्थि दो होता है दोस्तों, अस्थि जो कठोर होता है, उपास्थि जो है उससे मुलायम होता है, लचीला होता है, उसमें आपके जोड़ों पर हड्डियों को जोड़ों पर गद्दे के रूप में पाया जाता है। हमारे स्पाइनल कार्ड जो होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें बीच बीच में कार्टिलेज पाया जाता है जो एक सॉकर की तरह काम करता है, उसको लचीलापन बनाए रखता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक खिलाड़ी के को कंधे में कौन सी चोट लगती है? तो कंधे में अक्सर होता है आपका डिसलोकेशन, यानी कि कंधा जो ह्यूमरस हड्डी कंधे में जुड़ा रहता है एक गड्ढे के द्वारा, ग्रेनाइट कैविटी के द्वारा, वो अपने जगह से खिसक जाती है, अपने स्थान से हट जाने को ही डिसलोकेशन बोला जाता है, अक्सर कंधे में ज्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट, क्रिकेट की बॉल को मैदान पर फेंका जाए तो वह कुछ समय पश्चात रुक जाती है, क्यों रुक जाती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण, हवा के प्रतिरोध के कारण, इन तीनों के कारण जो है कोई भी गेंद, चाहे क्रिकेट का बॉल हो, चाहे कोई भी बॉल हो, हम फेंकते हैं तो उसके कुछ समय पश्चात वो रुक जाता है, तो यह वाह्य बल के कारण, वाह्य बल में आपका गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, हवा का प्रतिरोध, ये सब आ जाते हैं, इन सभी के कारण वह रुक जाता है। और आंतरिक बल में आपका मांसपेशीय बल आ जाता है, तो बल दो प्रकार का है, वाह्य बल और आंतरिक बल। आंतरिक बल में आपका मांसपेशीय बल आ जाएगा, जैसे कि हम बाल को थ्रो किए, किसके बल के कारण? हम मांसपेशीय बल से, आंतरिक बल से उसको थ्रो किए, और थ्रो होने के पश्चात तो कुछ समय पश्चात रुक जाता है, तो वाह्य बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, हवा के प्रतिरोध के कारण। नेक्स्ट, डाक टिकटों को इकट्ठा करना किस प्रकार की मनोरंजन क्रिया है? तो यह आपका संग्रहित गतिविधियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉक प्रदर्शन किस प्रकार की मनोरंजन गतिविधि है? तो मॉक प्रदर्शन आपका यह नाटक गतिविधि है। नेक्स्ट दोस्तों, रस्सी कूदना किस प्रकार की मनोरंजन क्रिया है? तो रस्सी कूदना आपका यह खेलकूद की मनोरंजन क्रिया है। नेक्स्ट दोस्तों, पुलअप से क्या मापा जाता है? पुलअप से दोस्तों किस पे आपका जोर लग रहा है? कंधों पर, कंधे का आपका एक्सरसाइज पूरा हो रहा है, तो कंधे की मांसपेशी की ताकत, ठीक है, कंधे की मांसपेशी की ताकत को मापा जाता है पुलअप में। नेक्स्ट दोस्तों, बाउलिंग क्या है? तो बाउलिंग क्या है? बाउलिंग एक खेल का नाम है, ठीक है, बाउलिंग एक खेल का नाम है। नेक्स्ट दोस्तों, कि रिंग किस खेल का मैदान है? यहाँ रिंग नहीं, रिंग लिखा गया है दोस्तों, यहाँ रिंग होगा, तो रिंग किस खेल के मैदान का नाम है? तो दोस्तों जो बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी के खेल के मैदान को हम क्या कहते हैं? रिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, चाइना मेन का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो चाइना मेन शब्दावली जो है वो क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बाइसेप्स क्या है? तो आपको पता है बाइसेप्स जो है एक मांसपेशी है ह्यूमरस हड्डी के ऊपर, हमारे ऊपरी बांह में रहती है, जो हमारे हाथ को फ्लेक्शन मोड़ने में काम आती है।
नेक्स्ट है सर्वाइकल स्पोंडिलाइसिस, चोट शरीर के किस भाग में लगती है दोस्तों? तो यह हमारे गर्दन में लगती है सर्वाइकल स्पोंडिलाइसिस चोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालिश किसका भाग है दोस्तों? तो मालिश एक चिकित्सा का भाग है। नेक्स्ट है भाला फेंक प्रतियोगिता में भाले को किस कोण पर फेंका जाता है दोस्तों? यह 45 अंश के कोण पर फेंका जाता है दोस्तों। जैसे कि प्रक्षेपण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी चीज को आप 45 अंश के कोण पर फेंकेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करेगी, वही 90 अंश के कोण पर फेंकने पर कोई दूरी तय प्रक्षेपण शून्य होता है, तो इसलिए 45 अंश पर फेंका जाता है भाला फेंक भाले को। नेक्स्ट है दोस्तों कि खेल में चोट से बचाव से संबंधित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? वार्मिंग अप। वार्मअप जो होता है वह किसी भी क्रिया को आरंभ करने से पहले वार्मिंग अप करते हैं, जिससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हमारे शरीर का लचीलापन हो जाता है, जिससे हम कोई क्रिया करते हैं, खेल खेलते हैं तो चोट कम लगता है। नेक्स्ट दोस्तों खेल मैदान पर चोट लगने के पश्चात तुरंत उपचार देना क्या कहलाता है? तो तुरंत सबसे पहले उपचार दिया जाता है उसे कहा जाता है प्राथमिक उपचार, ठीक है, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार। नेक्स्ट है पानी के अंदर एक्वा ट्रेनिंग किसको विकसित करने के लिए की जाती है दोस्तों? तो पानी के अंदर जो है एक्वा ट्रेनिंग जो है एंड्योरेंस यानी सहनशीलता को डेवलप करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लयात्मक जिम्नास्टिक में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो दोस्तों लयात्मक जिम्नास्टिक में 5 स्पर्धाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5। कौन कौन से? रिबन यानी फीता, रोप यानी रस्सी, क्लब यानी बार, क्लब यानी कि एक बोतल जैसा होता है, बॉल यानी गेंद, होप और होप यानी कि एक छल्ला होता है। तो ये 5 उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक में। नेक्स्ट है दोस्तों लयात्मक जिम्नास्टिक यानी रिदमिक जिम्नास्टिक के मैट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो यह होता है 13x13 मीटर। ऐसे में आपका आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक जो कलात्मक जिम्नास्टिक होता है उसमें मैट की लंबाई चौड़ाई पूछेगा तो 12x12 होगा, और लयात्मक जिम्नास्टिक यानी रिदमिक जिम्नास्टिक के मैट की लंबाई चौड़ाई पूछेगा तो 13x13 होगा और सभी चीजें सेम होंगी। नेक्स्ट है लयात्मक जिम्नास्टिक यानी रिदमिक जिम्नास्टिक के लिए मैट के चारों तरफ बॉर्डर कितना चौड़ा होता है? तो मैट के चारों तरफ बॉर्डर कितना चौड़ा होता है? तो 50 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, यानी कि 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर का ढाल होता है। नेक्स्ट है लयात्मक जिम्नास्टिक यानी रिदमिक जिम्नास्टिक में बॉर्डर के चारों तरफ खाली क्षेत्र कितना होता है? तो वह होता है 2 मीटर। कितना होता है? 2 मीटर। नेक्स्ट है निम्न में से लयात्मक जिम्नास्टिक यानी रिदमिक जिम्नास्टिक के संबंध में गलत क्या है? इसमें क्या गलत है दोस्तों? ऑप्शन है आपका कि यह प्रतियोगिता पुरुष व महिला दोनों के लिए होता है, तो यह राइट है। जो हमारा रिदमिक जिम्नास्टिक होता है यह पुरुष महिला दोनों के लिए होता है, एंड रिदमिक दूसरा है रिदमिक जिम्नास्टिक पामेल हास का प्रयोग किया जाता है, यही रॉन्ग है आपका दोस्तों। यह क्वेश्चन आपका रॉन्ग है दूसरा वाला, ठीक है। और ये आपका ग है रिदमिक जिम्नास्टिक में रोप यानी रस्सी, होप यानी छल्ला, बॉल यानी गेंद और रिबन यानी रिबन एंड क्लब यानी क्लब का प्रयोग किया जाता है। 5 उपकरण प्रयोग किया जाता है रिदमिक जिम्नास्टिक में। और चौथा है लयात्मक जिम्नास्टिक के लिए 13x13 का जो आपका फ्लोर होता है वो प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लयात्मक जिम्नास्टिक में जो गेंद की प्रयोग की जाती है उसका वजन कितना होता है दोस्तों? तो जो लयात्मक जिम्नास्टिक में गेंद का प्रयोग किया जाता है वो 400 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? 400 ग्राम का। नेक्स्ट लयात्मक जिम्नास्टिक यानी रिदमिक जिम्नास्टिक में जो बाल प्रयोग किया जाता है उसका व्यास कितना होता है? तो उसका व्यास होता है 18 से 20 सेंटीमीटर। वजन होता है 400 ग्राम, व्यास होता है 18 से 20 सेंटीमीटर जिम्नास्टिक रिदमिक जिम्नास्टिक के बॉल में। नेक्स्ट लयात्मक जिम्नास्टिक रिदमिक जिम्नास्टिक में जो बॉल प्रयोग की जाती है वह किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो वह किस पदार्थ से निर्मित होता है?
यह रबर व मुलायम प्लास्टिक, ठीक है, रबर व मुलायम प्लास्टिक यानी क ख दोनों आपका सही हो जाएगा, रबर व मुलायम प्लास्टिक का बना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बोतल के आकार का कौन सा उपकरण लयात्मक जिम्नास्टिक रिदमिक जिम्नास्टिक में प्रयोग किया जाता है? तो जो क्लब होता है उसी को हम कहते हैं बोतल, ठीक है। क्लब जो है ये बोतल की तरह होता है जो जिम्नास्ट अपने हाथों व आंखों की कोऑर्डिनेशन एबिलिटी का प्रदर्शन करता है, ठीक है। इसकी लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर, भार 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट, लयात्मक जिम्नास्टिक यानी रिदमिक जिम्नास्टिक में क्लब से संबंधित निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो दोस्तों यहाँ पे देखना है आपको, लंबाई इसकी 40 से 50 सेंटीमीटर होता है, सही है। भार आपका 150 ग्राम होता है, ये भी सही है। ये बोतल के आकार का होता है, ये भी सही है। आपका लोहे का बना होता है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है, लयात्मक जिम्नास्टिक यानी रिदमिक जिम्नास्टिक में होप से संबंधित निम्न में से क्या है? होप यानी छल्ला होता है। तो दोस्तों यह छल्ले जैसा होता है, ये राइट है आपका। इसका भार कम से कम 300 ग्राम होता है छल्ले का, होप का, ये भी सही है। एंड आपका यहाँ पे यह लकड़ी या सिंथेटिक का बना होता है, ये भी राइट है। तो इसमें गलत क्या है दोस्तों? इसे रिंग पर लटकाया जाता है, ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, हुप का आंतरिक व्यास कितना होता है? हुप का आंतरिक व्यास यानी हुप ये छल्ला जैसा होता है, उसका आंतरिक व्यास कितना होता है? तो इसका आंतरिक व्यास दोस्तों होता है आपका 80 से 90 सेंटीमीटर। कितना होता है? 80 से 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, लयात्मक जिम्नास्टिक यानी रिदमिक जिम्नास्टिक में रोप यानी रस्सी की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो रस्सी की कोई निश्चित लंबाई नहीं रखा गया है, यह जिम्नास्ट की ऊंचाई के आधार पर रखा जाता है। नेक्स्ट है, लयात्मक जिम्नास्टिक या रिदमिक जिम्नास्टिक में रिबन की पूरी लंबाई कितनी होती है? रिबन यानी कि फीता जो होता है उसकी पूरी लंबाई, अधिकतम लंबाई रखा गया है 7 मीटर। कितना रखा गया है? 7 मीटर। नेक्स्ट, रिबन एक केन से जुड़ा रहता है, उसकी लंबाई कितनी होती है? तो रिबन जो है एक केन से जुड़ा रहता है, उसकी लंबाई होती है 50 से 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, रिबन वाले उपकरण में सिर्फ रिबन का भार कितना होता है? तो रिबन वाले उपकरण में सिर्फ रिबन का भार होता है 35 ग्राम। नेक्स्ट, रिबन की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? तो रिबन की चौड़ाई होती है 4 से 6 सेंटीमीटर, रिबन यानी फीता की। नेक्स्ट, रिबन किसका बना होता है दोस्तों? तो रिबन जो होता है वह साटन का बना होता है। किसका बना होता है? साटन का। नेक्स्ट, लयात्मक जिम्नास्टिक यानी रिदमिक जिम्नास्टिक की टीम प्रतियोगिता में कितने जिम्नास्ट होते हैं? तो इसके टीम प्रतियोगिता में 5 जिम्नास्ट होते हैं। नेक्स्ट है, सांख्यिकी के पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सांख्यिकी के पितामह एचन वाल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एचन वाल को बोला जाता है, सांख्यिकी का पितामह। नेक्स्ट है, विचलन के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय किसे माना जाता है? तो इसको प्रमाप विचलन को सबसे विश्वसनीय माना जाता है, प्रमाप विचलन को सबसे विश्वसनीय माना जाता है। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए, जबकि सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो जिम्नास्टिक के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका जिम्नास्टिक है, इससे रिलेटेड जो विश्व का संस्था है वह GFI यानी जिम्नास्टिक फेडरेशन, FIG यानी इंटरनेशनल फेडरेशन जिम्नास्टिक जो होता है, इसकी स्थापना 1881 स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो जिम्नास्टिक है दोस्तों वो ओलंपिक में 1896 में ही एथेंस में आपका शामिल किया गया, और महिलाओं को जिम्नास्टिक 1928 एमस्टर्डम में शामिल किया गया, और रिदमिक जिम्नास्टिक को 1984 लॉस एंजिल्स में शामिल किया गया। और दोस्तों इसमें आपको ध्यान में रखना है कि FIG यानी इंटरनेशनल जिम्नास्टिक डी फेडरेशन के अंतर्गत
पांच जिम्नास्टिक आते हैं, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक, एरोबिक्स जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक, ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक। लेकिन आपको जब पूछेगा कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक खेल के अंतर्गत कितने कौन कौन से प्रकार की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता आती है, तो ओलंपिक में ओनली आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक, ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक तीन ठो शामिल हैं। इसमें से आपको जो प्रयोग किए जाते हैं उपकरण, पुरुषों के लिए 6 उपकरण और महिलाओं के लिए 4 उपकरण का प्रयोग होता है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक यानी कलात्मक जिम्नास्टिक में। तो पुरुषों के लिए 6 उपकरण होता है, रोमन रिंग, पैरल बार, वाल्टिंग हॉर्स, हॉरिजेंटल बार, फ्लोर, पामेल हॉर्स। इसका ट्रिक है रुपवा हफ लोपा, रू से रोमन रिंग, प से पैरल बार, वा से वाल्टिंग हॉर्स, हॉर्स से हॉरिजेंटल बार, फ्लोर से फ्लोर, पा से पामेल हॉर्स। महिला के लिए 4 इवेंट होता है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में, तो कलात्मक जिम्नास्टिक में फ्वा सीबे, इसका ट्रिक है फ्वा सीबे, 4 उपकरण होता है फ्वा से फ्लोर, वा से वाल्टिंग हॉर्स, सी से सिमेट्रिकल बार या अनइवन बार, वे से बैलेंसिंग बीम, ये होता है। तो जो आपका बेसिक चीजें था वो मैंने बताया है आपको। और जो जिम्नास्टिक होता है वो जिम्नेजियम में कराया जाता है। जिम्नेजियम क्या होता है, जिस स्थान पर जिम्नास्टिक के व्यायाम कराए जाते हैं उसको कहा जाता है जिम्नेजियम हॉल की लंबाई चौड़ाई होती है 60x30 मीटर, कितना होता है 60x30 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और सभी डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।